Hello students, today I'm going to take up Refugee Ship by Lona de Cervantes. See, Lona de Cervantes is a Chicano poetess, okay? Chicano is a term used for the Mexican Americans. That means people who are of Mexican origin, but they have migrated to America and they have started living there. Now, in the case of the poetess, she faces a natural problem of adjustment between these two cultural traditions. Fine, like she can neither drop her Mexican identity nor she is able to fully imbibe the American identity. So this problem of hybrid identity comes up. Aur poetess ne isi identity crisis ko metaphorically apni poem Refugee Ship mein describe kiya hai. Okay, now poetess ne apni jo Mexican identity hai wo inherit ki hai apni grandmother se. ओके लेकिन जब वो अपनी मदर के साथ कैलिफोर्निया में रह रही थी तो वहां पर वो अमेरिकन कल्चर से भी इन्फ्लुएंस हुई है जस्ट बिकॉज शी रिसीव द अमेरिकन अपब्रिंगिंग आल्सो फाइन सो शी इज एक्चुअली स्विंगिंग बिटवीन दीज टू कल्चरल ट्रेडिशंस ओके नाउ लेट्स कम टू द पोएम दैट इज रेफ्यूजी शिप रेफ्यूजी शिप एक्चुअली द शिप हियर इज द शिप ऑफ कल्चर जिस कल्चर में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है That is the Mexican culture. लेकिन अब वो अमेरिका में है जहाँ पर एक डिफरेंट कल्चर है और वो उसमें जो है फुल्ली एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं तो पोएटिस ने एक्चुअली मेटाफोरिकली ये कहा है कि उनकी शिप अपने डेस्टिनेशन को नहीं पहुँच पा रही है ओके दैट इज वाई शी हैज टर्म्ड इट अ रेफ्यूजी शिप और ये जो उनकी एक स्ट्रेंज जर्नी है फ्रॉम वन कल्चर टू द अदर कल्चर एंड द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी जो उनके साथ कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट कर रही है तो उस चीज को पोएटिस ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है Fine. Now let's take up the poem line by line. Refugee ship. She says, like wet cornstarch, I slide past my grandmother's eyes. Like wet cornstarch, जिस तरह से एक गीला आटा होता है और वो स्लाइड कर जाता है स्लिप कर जाता है उसी तरह से पोएटर्स जो है वो अपनी ग्रैंडमदर की नजरों से स्लिप कर गई हैं या स्लाइड कर गई हैं फाइन बिकॉज द कॉर्नस्टार्च इज वेट तो वो जिस तरह से स्लिप कर जाता है पोएटस भी अपनी ग्रैंडमदर की आईज के सामने से स्लिप कर गई हैं बाइबल एट हर साइड शी रिमूव्स हर ग्लासेस द पुडिंग थिकन्स और बाइबल जो है वो ग्रैंडमदर के साइड में रखा हुआ है ग्रैंडमदर ने अब ग्लासेस पहने हुए थे अब उन्होंने ग्लासेस उतार दिए हैं और पुडिंग जो है वो थिक होती चली जा रही है नाउ द ओवर हियर द पोएटस इज ट्राइंग टू कन्वे अस और शी इज ट्राइंग टू टेल अस कि जिस तरह से एक जो कॉर्नस्टार्च है वो स्लाइड कर जाता है पोएटिस भी अपनी ग्रैंडमदर के सामने से स्लाइड कर गई हैं ओके एंड द ग्रैंडमदर इज एक्चुअली ओल्ड बिकॉज शी इज वेयरिंग ग्लासेस शी इज रीडिंग बाइबल नाउ ग्रैंडमदर इज ओल्ड सो ग्रैंडमदर वाज अनएबल टू यू नो शेप द पर्सनैलिटी ऑफ द पोएटिस शी इज ट्राइंग टू से ग्रैंडमदर वॉज टू ओल्ड टू टेक केयर ऑफ हर ग्रैंडमदर वॉज टू ओल्ड टू पे अटेंशन टूवर्ड्स द पोएटिस्ट and to work for the upbringing of the poetess. Okay, just because she is old. And pudding thickens, actually wet cornstarch or pudding ka yahan par example poetess ne isliye diya hai because jo jab aata geela hota hai to aap usse jo shape dena chahe wo de sakte hain. Yani ki when poetess was young, when she was a child, she would have, you know, she would have accepted or she would have imbibed any culture. अगर उनकी ग्रैंडमदर जो है उन्हें मेक्सिकन कल्चर जो है सिखाती तो पोएट जो है उसे सीख लेती लेकिन अब पोएट जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं शी इज़ लिविंग इन कैलिफोर्निया विद हर मदर और अब जो है एक मतलब एक डिफरेंट कल्चर में जाना और उसको इम्बाइब करना उसे जो है समझना वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है जस्ट बिक तो शी इज एक्चुअली हाफ मेक्सिकन हाफ अमेरिकन एंड द पुडिंग थिकन्स कहने का मतलब पोएट हैज ग्रोन अप नाउ Now no change can take place. Jab tak it was a wet cornstarch while she was young, change could have taken place, but now it cannot. So then in the next paragraph she says, Mama raised me without language. Mama raised me without language. As I have already told you, her mother was a worker in the families. She used to work in the homes of this American families. Okay, in California. तो वहाँ पर तो बच्चे ज़्यादातर English ही बोलते थे. Spanish was forbidden. So Mama raised me without language. I am orphaned from my Spanish name. Spanish name over here means the identity. She longs for her Spanish identity. वो चाहती हैं कि उनकी Spanish identity बरकरार रहे but the Spanish identity is not there because वो अब एक different culture में है वहाँ पर Spanish बोली भी नहीं जाती ना वहाँ पर Mexican culture है so she is as if she is orphaned. She is at a loss. Fine. The words are foreign. अब
क्योंकि पोएटिस जो है वो मेक्सिकन है, ओरिजिन उनका मेक्सिकन है, लेकिन तो यहाँ पर उनको इंग्लिश बोलना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो फॉरेन साउंड कर रहे हैं उनकी टंग पर, वो इंग्लिश ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाती, वो इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाती हैं। द वर्ड्स आर फॉरेन स्टम्बलिंग ऑन माई टंग। स्टम्बल एक्चुअली हम लोग कहते हैं लड़खड़ा जाने को। तो यहाँ पर जो अमेरिकन एक शी इज एक्चुअली अनएबल टू स्पीक इट इन द अमेरिकन मैनर ऑन द और द अमेरिकन वे। ओके, पोएटिस जो है वो अमेरिकन की तरह ना बोल पा रही है ना बिहेव कर पा रही, शी इज डिफरेंट फ्रॉम देम एंड द वर्ड्स आर ऑल्सो फॉरेन, दैट इज इंग्लिश इज ऑल्सो फॉरेन ऑन हर टंग। इंग्लिश वो स्पीक बोल नहीं पा रही है और वो इंग्लिश जो है इंग्लिश के वर्ड्स वो ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है। आई सी इन द मिरर माई रिफ्लेक्शन, और जब वो अपने आप को रिफ्लेक्शन अपना देखती है मिरर में भी, तो वो क्या देख रही है, ब्राउन स्किन और ब्लैक हेयर। दैट मीन्स शी इज ऑफ मैक्सिकन ओरिजिन, तो ये तो उनकी आइडेंटिटी का एक बिल्कुल ही एक मेन हिस्सा है। लाइक शी कैन नॉट चेंज हर ह्यू एंड द हेयर। ओके, वो एक ब्राउन स्किन और ब्लैक हेयर तो रहेगा, दैट इज, तो शी स्टैंड एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम द अदर अमेरिकन, शी इज एक्चुअली अ मिसफिट इन द अमेरिकन सोसाइटी। शी इज ट्राइंग टू से वॉट टू डू नाउ, इस चीज को तो वो चेंज नहीं कर सकती। ओके, शी विल बी एबल टू प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड्स अ लिटिल लेटर आफ्टर प्रैक्टिस और समथिंग, बट हाउ विल शी चेंज हर ह्यू एंड हाउ विल शी चेंज हर हेयर एंड कलर। ओके, सो दिस शी वॉन्ट्स टू से, सो देन शी सेज दैट आई फील आई एम अ कैप्टिव। यस, शी फील्स लाइक शी इज अ कैप्टिव बिकॉज शी इज अ मिसफिट इन द लोकैलिटी ऑफ द अमेरिकन। उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर मेरा कोई काम ही नहीं है, व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो ऐसा लग रहा है कि वो जैसे एक कैप्टिव की तरह है अबॉर्ड अ रेफ्यूजी शिप। अबाउट द रेफ्यूजी शिप, ऐसा लग रहा है कि कोई कोई शिप है, रेफ्यूजी शिप है, दैट जैसे शिप जो है रेफ्यूजीज का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो है वो ट्रैवल करता है, उसी तरह से पोएटिस इज एक्चुअली ट्रैवलिंग इन अ रेफ्यूजी शिप ऑफ कल्चर। शी इज अनएबल टू यू नो फुली अंडरस्टैंड अ डिफरेंट कल्चर, सो शी इज ऑन अ रेफ्यूजी शिप एंड दिस शिप इज एक्चुअली बाउंड फॉर नो मैन लैंड। ये शिप का कोई एंड नहीं है, दैट मीन्स द शिप विल नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाएगी शिप, कहने का मतलब यही है दैट पोएटिस विल बी अनएबल टू फुली यू नो अंडरस्टैंड द अमेरिकन कल्चर एंड फील दैट अमेरिकन कल्चर। और पोएटिस जो है अपना जो एक अपियरेंस है उसे चेंज नहीं कर सकती, दैट इज द ब्राउन स्किन एंड द ब्लैक हेयर। तो दिस शिप यू नो इज बाउंड फॉर नो मैन लैंड, पोएटिस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे, उनका शिप डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा। एंड लास्ट लाइन में उन्होंने यही कहा है, द शिप दैट विल नेवर डॉक, डॉक मीन्स एंकर, ये शिप कभी एंकर नहीं हो पाएगा। एल बाको क्वे ननका एट्राका, नाउ दिस इज ऑल्सो स्पैनिश, दैट ऑल्सो मीन्स दैट द शिप विल नेवर डॉक। लास्ट लाइन जो है वो स्पैनिश में है। सो पोएटिस यू नो यू कैन सी दैट शी यूजेज अ बाइलिंगुअल टेक्सचर इन हर राइटिंग्स। शी ऑफन यू नो यूजेज स्पैनिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस वेरी फ्रीली इन हर राइटिंग्स जस्ट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ हर। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर भी यूज किया और इसका यही मतलब है दैट द शिप विल नेवर डॉक, द रेफ्यूजी शिप विल नेवर रीच द डेस्टिनेशन। सो दिस इज द प्रॉब्लम, शी इज एक्चुअली अब्रॉड, शी इज गोइंग अब्रॉड, और यू कैन से शी इज अबोर्ड दिस मेटाफोरिकल शिप। शी थिंक्स दैट शी कैन नॉट फुली इंटीग्रेट विद द अमेरिकन कल्चर, सो शी इज कंटिन्यूअसली ऑन अ शिप, शी इज ट्रैवलिंग टू फाइंड द डेस्टिनेशन। नाउ एक्चुअली द थिंग इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी फाउंड इन वन जेनरेशन, इट मे टेक जेनरेशंस यू नो टू फुल्ली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो भी वी कैन से दैट इट इज मे, इट मे बी नॉट, ये चीज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बिकॉज द ओरिजिनल आइडेंटिटीज ऑफ पीपल एग्जिस्ट। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद विद द पीपल ऑफ हाइब्रिड आइडेंटिटीज और द पीपल हु यू नो ट्रैवल फ्रॉम वन कल्चर इन टू अनदर कल्चर। फाइन, सो दिस इज द पोएम रेफ्यूजी शिप बाय लोना डी सर्वांटेस। इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क यू कैन आस्क इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।